प्रवेश परीक्षा स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जेई मेन व नीट टालने से इनकार, छात्रों का साल बर्बाद नहीं कर सकते। 1 से 6 सितंबर के बीच जेई मेल और 13 सितंबर को नीट प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र मेन, जेई मेन और नेट यूजी की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का एक कीमती साल बर्बाद नहीं किया जा सकता, जिंदगी चलती रहेगी रहनी चाहिए। जेई मेन 1 से 6 सितंबर और नीट 13 सितंबर को प्रस्तावित है। जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि कोरोना के बीच जिंदगी को आगे बढ़ाना है, लंबे समय तक छात्रों के भविष्य को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। एनटीए की ओर से परीक्षा तमाम सावधानियों को बरतने से संबंधित बात की गई है। ये देखिएगा, इसमें यह भी बड़ी खबर है कि परीक्षा स्थगित की तो देश का नुकसान होगा, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। कोरोना महामारी के चलते चाहते थे टलवाना। देश के 11 राज्यों के 11 छात्रों ने एनटीए का 3 जुलाई को नोटिस रद्द करने की मांग की थी, जिसमें जेई व नीट सितंबर में कराने का फैसला था। और ये देखिएगा, सिविल सेवा प्रारंभ परीक्षा 27 जून को होगी, ये भी बड़ी खबर है। तो परीक्षाओं से संबंधित अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है सख्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जो पीठ ने साफ तौर पर कहा कि प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित किसी प्रकार की कोई जो है नकारात्मक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, बच्चों का साल बिगड़ना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप बड़ी